के जो हमारे मेन कंसर्न्स हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट काम करना, ये हमारे लक्ष्यों में से एक है, टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक है। अगर आप पिछले 15 महीने में हम देखें तो पिछले 15 महीने में शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने 1,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है और 500 के करीब केसेस जो हमने दर्ज किए हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो ड्रग अर्न्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम कह सकते हैं ड्रग मनी से अर्न्ड जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने जो है वो फ्रीज़ करवाया है। और ये हमारा ज्वाइंट कंसर्टेड एफर्ट है विद अ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट जो है इम्पैक्टफुल एक्शन लें। इसी दिशा में जो है इस वर्ष भी जो सतत प्रयास हम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे गैंग्स जो हैं जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑपरेट करते हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लायर्स को पकड़ रहे हैं। और पिछले कल भी हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है सदर थाने के अंतर्गत, यहीं शिमला डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में। और इसके अलावा एक और मामला पंजीकृत हुआ है जिसमें कि ऑनलाइन सप्लाई कुरियर्स के माध्यम से एक युवक को पकड़ा है, कि जो वो भी एक अपने आप में एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इस तरह से ऑनलाइन माध्यमों से जो है ड्रग्स की सप्लाई करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। टोटैलिटी में वी आर कन्विक्टेड, वी आर फॉर्मली आफ्टर दीज ड्रग पैडलर्स एंड वी आर ऑफ फर्म कन्विक्शन एंड कमिटमेंट कि हम इनके अगेंस्ट जो हैं वो एक एडिक्वेट एक्शन लेंगे, जिससे कि जो ये ड्रग्स की प्रोलिफरेशन हो रही है सोसाइटी में, इसको हम रोक सकें। देखिए, ये जो कल हमने जिस केस की आप बात कर रहे हैं, ये पुलिस थाना सदर जो हमारा पंचायत भवन, इसके नज़दीक एक होटल है, उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों को 40 ग्राम के करीब जो है वो चिट्टा हमने इसमें कल सीज़ किया है, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कि एक युवती है और 4 जो है युवा है, लड़के हैं, और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है, एडिक्शन है, सब्सटेंसेस का जो मिसयूज़ है, इसमें ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अफेक्टेड हैं। संभ्रांत जो परिवार हैं उनके बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और गरीब परिवार के बच्चे, सभी लोग जो है, ये एक ऐसी कंटेजियस चीज़ है, इसकी प्रोलिफरेशन से कोई अछूता नहीं रहता है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किस प्रकार से इसकी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट की जा रही है, की गई है पास्ट में, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। जो जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें इन्होंने यहीं पर इसको बेचने की इनकी योजना थी, और इस दिशा में जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होती है, और हम इसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। देखिए, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि एक सर्विंग कॉन्स्टेबल भी है पंजाब पुलिस का, जो इसमें जिसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, और जो अरेस्ट हुआ है उसने अपने आप को पंजाब पुलिस में सर्विंग कॉन्स्टेबल। तो हम इस तरह से देखें कि जो हमारी सजगता है, जो अलर्टनेस है शिमला डिस्ट्रिक्ट में शिमला पुलिस की, हम कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन का जो नेटवर्क है वो शार्प है। पिछले 1 साल में हमने बहुत संख्या में लोगों को पकड़ा है, लगभग 1,000 के करीब वो नंबर पहुँचने वाला है, और साथ साथ में जो अवेलेबिलिटी चेन है उसको ब्रेक करने की हमने पूरी कोशिश की है। लार्जर एक्सटेंट तक वो ब्रेक हुई है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे किसी भी मीडियम से आप ड्रग्स को लेकर अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो हम सजग हैं, अलर्ट हैं, हम पकड़ेंगे। लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि एक जॉइंट और कंसर्टेड एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिलके एक जॉइंटली पार्टिसिपेशन के माध्यम से जो है हमने इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। और सभी माता पिता अभिभावकों के साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को लेकर के सजग रहें, और अगर किसी का बच्चा जो है, या कोई भी घर में फैमिली मेम्बर है, अगर आपको लगता है कि वो ड्रग सब्सटेंसेस के अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो गया है किसी भी कारण से, तो उसको हेल्प करिए टू टेक हिम आउट ऑफ द ड्रग्स, और इसको एक डिजीज़ और बीमारी की तरह लीजिए, क्योंकि गलती हो सकती है, लेकिन गलती सुधारने के जो अवसर हैं वो भी जीवन में मिलने चाहिए, और उसमें सभी परिवार फैमिली के मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई फैमिली में कोई मेंबर इस तरह से चपेट में आ जाता है, तो पुलिस है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वी कैन जॉइंटली हेल्प सच पीपल, और शिमला पुलिस इस दिशा में कुछ काम कर भी रही है।